क्या ठंड है Нет, не оплатил, я говорю, номер как, какой надо писать? Вы не оплатили еще? Какой номер писать надо? Я вам объясняю, наберите третью строку, и все начинается. Все вы эти цифры введите, карты просканируйте сначала. Смотри, я же ввел же. Вы поняли, как нужно оплачивать? Все цифры, да, надо ввести? Да, карты просканируйте его, за место будет номер, вводите номер билета. हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज चले हैं हम नई कंट्री, एक नए सफ़र पे। ये लॉन्ग हमने पहले आपको दिखाया हुआ है तो दोबारा नहीं दिखाएंगे। कैमरामैन प्लीज़ दिन मत दिखाइए हमारा लॉन्ग, बार बार एक ही चीज़ दिखा के ऑडियंस को बोर नहीं करेंगे। चलिए चलते हैं। तो ट्रिप हमने नॉर्मल तरीके से जैसे हर बार ऑर्गेनाइज करते हैं वैसे ही किया था, लेकिन इस बार हमने पब्लिश कर दिया था ट्रिप ऑनलाइन, तो हमारे पास काफ़ी सारी क्वेरीज आ गई थी ट्रिप ऑर्गेनाइज़ करने के बाद। फिर हमारे फ्रेंड्स इंक्लूड हो गए ट्रिप में और हमने ग्रुप टू, बेसिकली हमारे फ्रेंड्स जा रहे हैं सारे, तो जो क्वेरीज आई थी उनके लिए हमने अलग से एक ग्रुप टूर ऑर्गेनाइज़ किया है जो कि नेक्स्ट मंथ जा रहा है। 25 लोगों का जो है ग्रुप टूर है, आपको डिटेल्स बहुत जल्दी मिल जाएंगी चैनल पे। सब बर्फ देखो, हाँ
आप फिर दोनों आइए। ये भाई पूरा ऐसे लग रहा है इंडिया का ही एयरपोर्ट पे लग बैठे हुए हैं, और ये तो भाई पूरा लोग भर भर के आ गए। ये करेंसी एक्सचेंज है यहाँ पे, वो हमारा फ्रेंड लाइन में लगा है करेंसी एक्सचेंज कराने के लिए, फिर यहाँ से बाहर चलते हैं। तो गाइस हम पहुँच चुके रात के 3:30 बज रहे हैं, सिम मैंने ले लिया है और बाहर मैं टैक्सी देख रहा हूँ, लेकिन अभी हमारा होटल जो है मॉर्निंग 8 से बुकड है, बिकॉज़ जो डेट हमने सिलेक्ट करी थी 2 फरवरी वो 2 फरवरी तो हो चुकी है, लेकिन उसने जो ऑनर था उसका मेरे को मैसेज आया एयरबीएनबी प्रॉपर्टी है कि वो प्रॉपर्टी सुबह 8 बजे खाली होने वाली है। और बाहर मैं आपको दिखाता हूँ, रोड पे इतनी बर्फ़ है, इतनी बर्फ़ है, फेब का महीना है और स्नोफॉल हो रही है, मेरे को यहाँ से दिख भी रही है धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी। लेट मी शो यू। तो गाइस इतना ठंडा है यहाँ पे, और एकदम एंटर करते ही, लैंड करते ही स्नोफॉल दिख गई है हमको। ये देखो स्नोफॉल, अब देखो भाई अगर आपको दिख रही है ना धीरे धीरे, तो ये हो रही है स्नोफॉल गाड़ी के उस पर वहाँ पे दिख रही है। भाई मेरी लाइफ की पहली स्नोफॉल है ये। ओ भाई साहब क्या मस्त स्नोफॉल हो रखी है। ये अलमाटी का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कार पे जमी है बर्फ, और ये स्नो, ये हो रही है स्नोफॉल। बहुत ही ऑसम वेदर है, बहुत ही ऑसम, बहुत ही सही मौसम हुआ हुआ है, और वेदर इतना प्यारा है, इतनी ठंडी ठंडी हवा, और वो भी सीधा, मतलब चुभ नहीं रही सर्दी, एकदम बहुत प्लीजिंग लग रहा है फेस पे आके, पूरी स्नोफॉल है। ये यहाँ पे टिकट काउंटर है, और वहाँ पे एक 24/7 गला भी ना बिल्कुल ख़राब सा हो गया है, थोड़ा ठंडी ज़्यादा है यहाँ पे, वो 24/7 शॉप है। ये 24/7 शॉप है जैसे हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन पे बनी रहती है। ये एटीएम मशीन वगैरह है, वहाँ पे खाने पीने का पूरा सब हिसाब मिल रहा है। देखो भाई, माय गॉड, यही है राहुल, ये Парковочная билет 3:00 начинается. Снова.
Сколько? 300, да? Нам сумма сразу выйдет, и на парковочном билете. Номер билета введите, третий пока 07 начинается. 10-3. Оплатили вас? А что не получается? Какой номер надо оплачивать? Всё, хорошо. Билет ставьте, пожалуйста. Нет, сейчас. Нет, не оплатил, я говорю, номер какой надо писать? Вы не оплатили еще? Какой номер писать надо? Я вам объясняю, наберите третью строку, 07 начинается. Все вот эти цифры введите, карты просканируйте сначала. Смарт так говорит. Я же ввел же, вот. Вы поняли, как нужно оплачивать? Все цифры, да, надо ввести? Да, карты просканируете его, вместо бус номера вводите номер билета. Вау, блин. क्या सही व्यू है भाई मैंने बनाई है वीडियोस पूरी रोड्स पे बर्फ क्रिसमस क्रिसमस लाइट्स लगी नहीं 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 यार पूरी स्नो जो है ना एकदम शीशे पे लग रही है आके भाई साहब लगी नहीं रहा सुबह के 6 बजने वाले हैं ना बिल्कुल भी नहीं लग रहा कहते हैं अगस्त सितंबर में भी आने का बहुत अच्छा है ये सब नहीं ये सब हाँ, नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ उसमें ना अलग ग्रीनरी है ऑटम हाँ। हो जाता है ना येलो ग्रीन से ऑरेंज से वो डीडीएलजे वाले फीलिंग आती है येलो वाले वही हाँ। यार किया स्कोडा शेवरले अरे तुम तभी तो ऐसे स्नो इतनी है गाड़ी पूरी लपटी हुई जितनी वीडियो बना लो उतनी कम है पहुंच गई वहां पे अपार्टमेंट ये नहीं खुलता क्या वाह भाई वाह मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ उतरते ही पैसा वसूल हो गया था एयरपोर्ट घूमते ही Siz mi? Yok. Yok, ne çakırdı? Taksi de
шахтан адам номер еще тапмай туда сұрасам такси деп мен такси шақырған жоқпын мен қазір оған переводчикпен жаздым что неге Thank you.
अरे वो तेरा ही भाई है भाई, इंडिया के बाहर भी ऐसे लोग होते हैं। कितने दिए इसने? पूरे 3350 ही लिए। 1650 तो तेरे को टॉफी खाने के लिए 50 टेंगे छोड़ेगा। ओ भाई मैं नहीं जा रहा वहां। भाई ठंड है। राहुल जरा बताएंगे बाहर का आलम कैसा है? बाहर का यार ठंड लगती है। ओ भाई सो क्या ठंड है यार, यहां पे तो कुछ भी नहीं है आसपास। ये सुबह हो गई अरुषि। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसा लगा गाइस फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ अलमाटी? लो कैसा लगा, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपका। राहुल हाउ इज द फर्स्ट इंप्रेशन? अमेजिंग भाई कसम से, लिटरली देख, वाह भाई वाह, लिटरली बहुत ही। बर्फ मुंह के अंदर आ रही है और बहुत ही पूरी जैकेट भीग गई है। हाँ 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 बैग वो नीचे यहीं से पीछे से निकलेगा। सुबह हो चुकी है, सुबह के 6 बज चुके हैं और इतनी तेज तेज यहाँ पे स्नोफॉल हो रही है और पूरी रोड खाली है। देखो पूरी रोड खाली है और इस कार में हम आए हैं एयरपोर्ट से इसको करके, और वो हमारी होस्ट कह लो या अपार्टमेंट की ऑनर है जो हमको यहाँ पे अपार्टमेंट का की वगैरह सब देने आई है। उसकी कार पूरी जम गई है भाई बहुत। चलिए आगे इस वीडियो को थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे और फिर इस वीडियो को एंड करेंगे जल्दी। मेट्रो पूछ ले उनसे मेट्रो कितनी दूर है। ये अपार्टमेंट है, ये फर्स्ट बेडरूम अपार्टमेंट का। ये वॉशरूम, दिस वॉशरूम, दिस वॉशरूम का जो है स्विच नहीं मिल रहा है। ये डाइनिंग एरिया, ये किचन और ये सेकंड बेडरूम है वहां पे। तो गाइस आज की वीडियो को रखते हैं यहीं पे और बहुत थक चुके हैं हम, 6 बज चुके हैं और अब सोने जा रहे हैं। फिर कल से न्यू वीडियो में आपको मिलते हैं।